हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को देख रहे हैं। तो दोस्तों, लेकर के आए हैं और हम आपको बताने वाले हैं एक इंजन के बारे में, एक गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दिखाते हैं, हमारे सामने एक ये गाड़ी खड़ी हुई है, हीरो की पैशन एक्स प्रो। पास लेकर आओ। तो दोस्तों, इसके अंदर ये पैशन प्रो है, आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी है। और इसका हम आपको पहले किलोमीटर रीडिंग दिखा देते हैं। यहाँ पे आप दिखा दीजिए, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक मिनट, ये 37,454 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है और इसकी ये जेन्युइन रीडिंग है। और इसका जो इंजन है, इसका इंजन हमें करना होगा, इंजन इसका डैमेज है। और 37,454 किलोमीटर ये ऑलरेडी जेन्युइन रीडिंग चली हुई है। गाड़ी 2018 या 19 की मॉडल की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये गाड़ी हीरो की सबसे फेल गाड़ी है, सबसे कंडम गाड़ी है। इसको जो भी कस्टमर लेता है वो सिर्फ और सिर्फ रोता है। और इसके अंदर जो जनरली प्रॉब्लम आने वाली है इंजन के अंदर, जैसे कि आपके टाइमिंग चेन आवाज़ करना, क्लच प्लेट प्रॉपर तरीके से नहीं काम करना, जल्दी ख़राब हो जाना, या फिर इसकी इंजन में ऑयल उठाने की समस्या जल्दी से जल्दी आ जाना। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंजन को स्टार्ट करना। तो दोस्तों, हम पहले इसके इंजन को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका साउंड सुनाएंगे। ये हमने इसकी चाबी ऑन कर ली है, सॉरी दोस्तों, बंद हो गई। तो दोस्तों, आप इसका साउंड को सुन पा रहे हैं, इसका ये साउंड है एकदम ट्रैक्टर जैसा, एकदम जनरेटर जैसा इसका साउंड आ रहा है, आप सुन पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये 37,454 किलोमीटर चला हुआ इंजन है, जो कि हमारे हिसाब से एवरेजन ही चला हुआ है, कम चला हुआ है। और ये हीरो की जो गाड़ी है सबसे बेकार और सबसे बकवास गाड़ी है दोस्तों। कस्टमर वाकई में बहुत परेशान होता है इसके इंजन को लेके, और कंपनी में भी इसकी शिकायत कई बार की गई है। तो अब इन फ्यूचर क्या कंपनी ने इसमें अपडेट किया हुआ है वो आगे मालूम पड़ेगा। फिलहाल इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो इंजन को लेकर के है। इंजन बिल्कुल इसका ख़राब आया हुआ है, बहुत जल्दी इसके इंजन खुल जाते हैं। हमने अपने वर्कशॉप पर ऐसे ऐसे इंजन खोले हैं, पैशन एक्स प्रो या न्यू मॉडल के, FI मॉडल के, जो 5,000, 6,000, 10,000 में इंजन खुल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका इंजन खोलेंगे और सीखेंगे, देखेंगे किस तरीके से पैशन प्रो BS6 FI मॉडल के अंदर इंजन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं और उसको हम बेहतर तरीके से कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे उसको सेट कर सकते हैं। बाकी जो भी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप, बोल्ट टू बोल्ट जानकारी दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको खोलना। और ये पैशन प्रो BS6 का इंजन बॉडी से अलग कर लिया है, गाड़ी से अलग कर लिया है बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं ये इसका BS6 इंजन है पैशन प्रो का। तो अब हम सीखेंगे कि इसके इंजन को किस तरीके से खोला जाता है, इसमें खोलते वक्त क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके हेड के कवर के 4 बोल्ट जो 10 नंबर के आप देख रहे हैं, इनको खोलेंगे। तो दोस्तों, हमने ये 4 बोल्ट खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें 10 नंबर के 1.5 इंची के 4 बोल्ट दिए हुए हैं हेड के अंदर। तो दोस्तों, इसे हम हैमर की मदद से आराम से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल ऑयल सूख गया है, आप देख रहे हैं किस तरीके से ड्राई है पूरा। इसके अंदर गंदगी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल सूख गया है। इसके ऊपर दोस्तों ऑयल बिल्कुल भी नहीं आया है, इस वजह से ये इंजन सीज हो गया है। इसका साउंड आप स्टार्टिंग में सुना होगा कि बिल्कुल जनरेटर जैसा जो साउंड आ रहा था वो इसी का रहा था। ये आप देख पा रहे हैं रॉकर बिल्कुल इसके बैठ गए हैं, घिस गए हैं। तो दोस्तों, इससे ये मालूम पड़ता है कि कस्टमर इस गाड़ी को कितनी बुरी तरीके से चला रहा था। बिल्कुल इंजन बैठ गया है, ख़त्म हो गया है, तब वो हमारे पास लेकर के आए हैं और हमने इसकी जो खोली है इंजन को, तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इसकी बुरी हालत है। इतनी बुरी हालत तो हमने शायद ही अपने जीवन में या अपने कैरियर में देखा है। तो चलिए इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसके प्रोसेस। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसके 8 नंबर की टाइमिंग की इरारी के बोल्ट को खोलेंगे।
इसमें दोस्तों टाइमिंग गिरारी के दो बोल्ट हैं 8 नंबर के इस तरीके के। तो दोस्तों हम इसमें आपको बोल्ट टू बोल्ट जानकारी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा सकें, डीपली आपको इसकी जानकारी प्रॉपर दे सकें, जिससे आप प्रॉपर तरीके से इंजन को खोलना सीख पाएँ। ये इसकी गिरारी है दोस्तों, टाइमिंग गिरारी है। अब हम दोस्तों इसके 4 मेन बोल्ट खोलेंगे 12 नंबर के, उसके बाद ये 2 साइड में बोल्ट लगे हुए हैं 10 नंबर के, ये 6 बोल्ट हैं इसके अंदर टोटल। चलिए खोलते हैं। तो इस प्रकार इसमें हेड के मेन 4 बोल्ट लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। इसमें बासल 100 में प्रत्येक बासल है। ये साइड में 2 10 नंबर के बोल्ट हैं दोस्तों, इतने लंबे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका हेड बड़े आसानी से अलग हो चुका है ब्लॉक से, आप देख पा रहे हैं ये इसका हेड है। इसको हम खोलेंगे अभी थोड़ी देर में, फ़िलहाल इसके इसको साइड में रखते हैं दोस्तों। ऑलरेडी लगी हुई है और इसके अंदर ये हेड गैस्केट दी गई है दोस्तों इस तरीके की। तो आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे मैकेनिक भाइयों, हम आपको स्टेप बाई स्टेप सिखा रहे हैं। ये इसके अंदर टाइमिंग चेन पैड है, तो दोस्तों टाइमिंग चेन पैड इसका घुस चुका है, हम इसमें टाइमिंग चेन पैड नया डालेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें ये इस तरीके की भोगली निकलती हैं। तो दोस्तों ये हमने 2 भोगली इसकी निकाल ली हैं इस तरीके की, यहाँ पे भोगली दी गई हैं दोस्तों। उसके बाद हम इसके ब्लॉक को बाहर निकालेंगे इस तरीके से, ये। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने इसके ब्लॉक को पूरा बाहर निकाल लिया है और ये सू का चलने की वजह से इसमें सीजर के जो निशान हैं आ चुके हैं अंदर। तो दोस्तों सेम 2 भोगली इसके अंदर भी दी गई हैं इस तरीके की, ये इस तरीके की। हम इसमें से भी 2 भोगलियों को निकालेंगे, उसके बाद इसे हम साइड में रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पिस्टन है इसके अंदर, इसके पिस्टन को निकालने के लिए हमें इसका लॉक निकालना पड़ेगा साइड से। इसमें 2 तरफ लॉक दिए गए हैं, आप किसी भी तरफ से इसका लॉक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसका लॉक निकाल लिया है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं मैकेनिक भाइयों, इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। तो मेरे प्यारे मैकेनिक भाइयों, ये बिगर ऑल के चलने की वजह से सीज हो गई है इस तरफ, आप देख पा रहे होंगे ये। तो चलिए इसके हम पहले कार्बन को साफ करते हैं, फिर देखते हैं इस पर क्या नंबर है क्या। तो दोस्तों हमने इसके पिस्टन के कार्बन को ऊपर से बिल्कुल क्लीन कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। और ये आप देख पा रहे हैं इस पर लिखा हुआ है 2012-0V2, यानी कि ये स्टैंडर्ड पिस्टन है दोस्तों। अगर इसके अंदर 25 नंबर या एक बार भी इंजन हुआ होता तो 25 mm का इसमें नंबर होता, 0.25 या 0.50 पिस्टन का साइज होता है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पर कोई भी 25 या 50 या 75 इस पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका इंजन पहली बार हो रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इस पर कोई नंबर नहीं है। इसमें हम पिस्टन डालेंगे स्टैंडर्ड 25 mm का। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो दोस्तों हमने इसके हेड और ब्लॉक को प्रॉपर तरीके से निकाल लिया और आपको बताया किस तरीके से इसका हेड और ब्लॉक को अलग किया जाता है। अब हम इसके क्लच के साइड को खोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस जो इंजन कोई भी गाड़ी का हो उसे 4 भाग में खोलना चाहिए। सबसे पहले उसका आपको हेड निकालना है और हेड और ब्लॉक को आपको 2 एक साथ निकालना है,
उसके बाद आप दूसरा स्टेप इसकी क्लच को खोलिए पूरा तरीके से। उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो टाइमिंग चेन के हिस्से को खोला जाता है, जो कि हम आपको अभी खोलना बताएंगे। उसके बाद फोर स्टेप जो होता है वो मेन चैम्बर को अलग करने का, यानी कि क्रैंक को निकालने का। तो कोई भी गाड़ी का इंजन, टू व्हीलर कोई भी गाड़ी है आपकी, उसको इंजन खोलने के ये चार स्टेप होते हैं प्रोफेशनली अच्छी तरह खोलने के। तो चलिए, हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, इसके हेड और ब्लॉक को प्रॉपरली हमने अलग कर लिया है। अब हम दूसरा स्टेप यूज़ करने वाले हैं जिसमें हम क्लच खोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी किक को बाहर निकालेंगे इस तरीके से। ये हमने इसकी किक को बाहर निकाल लिया है और किक का बोल्ट हल्के हल्के इसके अंदर लगाएंगे। उसके बाद इसके हम चैम्बर के सबरे बोल्ट खोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इसके चैम्बर के सबरे बोल्ट खोल लिए हैं। हम इसके इसके ऑयल फिल्टर को भी खोलेंगे। तो दोस्तों, जब भी कोई भी गाड़ी इंजन करें उसके अंदर अगर ऑयल फिल्टर बाहर से दिया हुआ है तो प्लीज़ उसको नया डालें, नया चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें तीन छोटे बोल्ट दिए गए हैं आधा इंची के, आठ नंबर के। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से दिखता है, ये इसकी ओरिंग किट है, इसको निकाल के रख लीजिए। उसके बाद इसमें ये ऑयल फिल्टर है दोस्तों इस तरीके का, और इसका स्प्रिंग वाला जो भाग है वो अंदर की साइड होता है और रबड़ वाला भाग बाहर की साइड होता है। तो दोस्तों, हमने टोटल जो क्लच चैम्बर के बोल्ट हैं पूरे 12 बोल्ट हैं, हमने इनके 12 बोल्टों को खोल लिया है। अब हम इसके चैम्बर को बाहर निकालेंगे। ये तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने आसानी से पूरे चैम्बर को बाहर निकाल लिया है, और ये भी आप देख पा रहे हैं ये पूरा सूख गया है ऑयल, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल हमें देखने को कहीं भी नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, और चैम्बर निकालते वक्त विशेष चीज़ का ध्यान देखना है कि इसकी ये ठेसी है, क्लच ठेसी, इसको निकाल करके आप रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों, इसकी ये किक शाफ्ट है, किक शाफ्ट को सबसे पहले निकाल करके रख लीजिए, और इसमें एक वाशर दिया हुआ अंदर की साइड में इस तरीके से। सॉरी दोस्तों, ये वाशर इस तरफ लगेगा, इसके अंदर कोई वाशर नहीं होता है। तो दोस्तों, BS6 पैशन प्रो में क्लच को अपडेट किया गया है, उसके अंदर तीन खांचे वाला हब दिया हुआ है, जबकि इसमें फोर वाला होता है, और हम इसमें जो लगाएंगे वो फोर वाला लगाएंगे जिससे कि वो लंबा चले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं तीनों बोल्टों को। तो दोस्तों, हमने ये तीनों बोल्ट खोल लिए हैं। उसके बाद दोस्तों, इसकी ये क्लच की बैरिंग है, ये आप देख पा रहे हैं क्लच की बैरिंग में चाल आ गई है सूखी चलने की वजह से, इसको हम नई चेंज करेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें ये चार स्प्रिंगें दी गई हैं, वो सॉरी तीन, ये क्लच के बोल्ट को खोलेंगे। तो मेरे प्यारे मैकेनिक भाइयों, हमने इसके बोल्ट को, क्लच के बोल्ट को खोल लिया है, और इसकी चूड़ी जो है सीधी हैं बिल्कुल, और इसके अंदर ये वाशर है। उसके बाद हम इसे निकालेंगे, एक वाशर और हमें देखने को मिला है इसके अंदर इस तरीके का।
और एक वासल दोस्तों इसके नीचे जो कि इसके पीछे लगता है। ये इसका पूरा क्लच हाउसिंग सेट है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसकी प्लेटें बिल्कुल फूक चुकी हैं, जल चुकी हैं इस तरीके की। ये सेटअप फोर का कलर सेट है। किसी में पांच, किसी में चार होती हैं। इसमें टोटल चार क्लच प्लेट दी गई हैं और तीन स्टील प्लेट दी गई हैं, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। ये दोस्तों इसका हब है जो कि कट चुका है बिल्कुल सूखा चलने की वजह से। ये इसका सेंटर है। हम पूरा इसका क्लच कंप्लीट सेट डालेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका ये क्लच कटोरा हमने बाहर निकाला हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं इसमें इस तरीके की चाल आ चुकी है। तो दोस्तों ये जब चाल आ जाए तो इसे खराद पर रिपेयर कराएं, जिस पे भी आप पिस्टन बोर या बाल ग्राइंड जो भी आप कराते हैं। उसके बाद इसमें दोस्तों यहाँ थोड़ा थोड़ा ये घिस चुका है प्लेटों की वजह से। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर कट गया है तो चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें ये एक भोगली देखने को मिल रही है। ये पीछे इसके एक बाशर है इस तरीके का। अब हम दोस्तों इसके ये ऑयल पंप गिरारी को निकालेंगे। ये प्लास्टिक की गिरारी है दोस्तों और ईजिली निकल जाती है, तो इसको निकाल करके सेफ्टी के साथ रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम इसके ये प्राइमरी गियर को खोलेंगे। इसमें 19 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, चलिए इसको खोलते हैं। तो दोस्तों ये 19 नंबर का गुटका है, हमने इसमें लगा दिया है इस तरीके से। और इसके अंदर चूड़ी दी गई है वो सीधी हैं इस तरीके से। ये इसके अंदर एक बाशर है दोस्त। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमने इसके प्राइमरी गियर को निकाल लिया है आसानी तरीके से। इसमें एक ये चाबी है जो कि प्राइमरी गियर को रोकने के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें एक ये भोगली हमें देखने को मिल रही है, प्राइमरी गियर के नीचे लगी होती है इस तरीके की। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम इसके गियर शाफ्ट को निकालेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों गियर शाफ्ट थोड़ी जाम है क्योंकि पहली बार इसका इंजन खुल रहा है, इसे हमें थोड़ा सा यहाँ से ठोकना होगा हैमर की मदद से। तो दोस्तों इसमें जो हथौड़ी से आप आराम से इस तरीके से ठोकिए। ये तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने इसकी गियर शाफ्ट को निकाल लिया है इस तरीके से। इसके अंदर इस तरीके का एक वाशर दिया हुआ है इस तरीके से इसमें। उसके बाद दोस्तों हम इसका गियर डॉग खोलेंगे। उसके बाद इसका जो गियर स्टार है इस तरीके का, इसको हम खोलेंगे। ये दोस्तों स्टार में इस तरीके का 10 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है। ये इसके अंदर जो रोलर लगे हैं वो फिक्स हैं ऑलरेडी। आप चाहें तो इसके गियर डॉग को खोल सकते हैं दोस्तों। ये तो हमने इसका गियर डॉग खोल लिया है दोस्तों, क्योंकि हम इसके गियर डॉग को चेंज करेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसमें चाल आ चुकी है ये, और इसके नीचे ये इस तरीके का एक बाशर है। ये इसके अंदर इस तरीके से लगा होता है, ये आप देख पा रहे हैं। ये इसका सेटअप है दोस्तों। ये इसकी स्प्रिंग है। उसके बाद दोस्तों हम इसका ये ऑयल पंप फिल्टर जो इसमें दिया गया है इसे निकालेंगे। आप ये देख पा रहे हैं इसको आप क्लीन करके साफ करके ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों हमने प्रॉपरली इसके क्लच के साइड के हिस्से को आपको खोलना सिखाया है, प्रॉपरली एक एक बोल्ट आपको बताया है किस जगह किस तरीके से खोलेगा।
तो चलिए अब इसके मैग्नेट साइड को खोलते हैं। इसका जो दूसरा भाग है हमने कंप्लीट कर लिया है इंजन का, अब हम तीसरे भाग की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों हम इसका मैग्नेट खोलने वाले हैं, हम यानी कि तीसरा भाग खोलने वाले हैं हम इसका इंजन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मैग्नेट में 8 नंबर के बोल्ट दिए हुए हैं और टोटल बोल्ट इसमें 9 बोल्ट लगे हुए हैं, हमने इनको खोल लिया है। चलिए इसके मैग्नेट को हम निकालते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइट है दोस्तों, पहली बार ये खुल रहा है इसलिए थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने इसके मैग्नेट को पूरा निकाल लिया है इस तरीके से। ये इसके अंदर कॉइल प्लेट दी गई है दोस्तों, ये इसके अंदर इसकी पिकअप कॉइल है, बाकी आप देख पा रहे हैं ये। अब हम दोस्तों इसका मैग्नेट खोलेंगे। मैग्नेट आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल सूखा है जबकि ये ऑयल में चलता है, और इसके अंदर जो बोल्ट दिया हुआ है वो भी सेम 19 नंबर का है दोस्तों। ये हमने इसके 19 नंबर के बोल्ट को खोल लिया है, इसके अंदर भी एक बासर हमें देखने को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसके मैग्नेट को निकालने वाले हैं, और इसका मैग्नेट जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं टाइट है, आसानी से नहीं निकलेगा। ज़्यादातर मैकेनिक भाइयों आप इसे हथौड़ी से ठोक के या ऐसे इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ इसके मैग्नेट पुलर से ही आप इसको निकालें। तो इसमें जो मैग्नेट पुलर लगेगा दोस्तों वो स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर का लगेगा, आप देख पा रहे हैं इस पर लिखा भी है सुपर स्प्लेंडर इस तरीके से। तो चलिए इसको हम इसमें लगाते हैं, या आप इसे इस तरीके से कस लीजिए। तो दोस्तों हमने इसके 32 नंबर की रिंच से इसको टाइट कर लिया है, अब हम इसके ऊपर से इसके बोल्ट को कसेंगे और बड़े प्यार से इसके मैग्नेट को निकालेंगे। ये तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी तरीके से हमने इसके मैग्नेट को निकाला है मैग्नेट पुलर की मदद से, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। हम ये इसके वन वे रोलर हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, हम इसमें नए डालेंगे वन वे रोलर। तो दोस्तों ये सेल्फ की गिरारी है इस तरीके की, आप देख पा रहे हैं, और ये इसके ऊपर की भोगली है जो कि गिरारी को प्रॉपर तरीके से सेट करके रखती है। उसके बाद दोस्तों इसकी ये रॉड है इस तरीके की, उसके बाद दोस्तों ये हम कड़ा निकालेंगे इसका, सेल्फ कड़ा बोलते हैं इसको। बाकी दोस्तों इसमें ये मैग्नेट चाबी लगी हुई है, जाम है और इसमें फंसी हुई है, ये निकल नहीं रही है, तो हम इसको इसी में लगी रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसके जो टाइमिंग चेन पैड है जो लगा हुआ है इसको निकालेंगे, उससे पहले इसकी टाइमिंग चेन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगी क्योंकि इसमें टाइमिंग चेन उतरे ना या अपसेट ना हो, तो उसके लिए इसमें यहाँ गार्ड दिया हुआ है, पत्ती दी हुई है, तो इसे हमें खोलना होगा। इस तरीके से खोल लेते हैं ये, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें ये पत्ती दी गई है, ये इसमें एक 8 नंबर का बोल्ट हुआ है, 10 नंबर की इसमें चूड़ी है। उसके बाद हम इस पैड को बाहर निकालेंगे, टाइमिंग चेन पैड, ये आप देख पा रहे हैं टाइमिंग चेन पैड दोस्तों इसका ख़राब हो चुका है क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल सूखी चली है, ये देख पा रहे हैं आप, इसमें ऑयल का कहीं भी निशान आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद इसकी टाइमिंग चेन निकालेंगे,
ये। तो दोस्तों टाइमिंग चेन आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सूखी है, कहीं से भी इसमें ऑयल हमें 1% भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ये टाइमिंग चेन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और जो इंजन में आपने शुरू में साउंड सुना था वो इसी का साउंड था प्रॉपर। ये इसकी रोलर वायरिंग है कड़े की। तो दोस्तों ये आपने देखा, हमने इसका मैग्नेट जो है पूरा प्रॉपर तरीके से खोल करके आपको दिखाया है और बताया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से खोलनी है। यानी कि हमने इसका तीसरा भाग पूरा कंप्लीट कर लिया है, तीसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका फाइनल स्टेप करने वाले हैं जो कि क्रैंक को बाहर निकालने वाले हैं और मेन चैम्बर को खोलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका मेन चैम्बर खोलते हैं। और मेन चैम्बर के ये बोल्ट लगे हैं दोस्तों, पहले हम मेन चैम्बर के बोल्टों को खोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये मेन चैम्बर के पूरे बोल्ट खोल लिए हैं, इसमें टोटल 11 बोल्ट दिए गए दोस्तों इसमें टोटल बोल्ट 13 बोल्ट दिए गए हैं मेन चैम्बर के अंदर, जिसमें 4 आपके मैग्नेट के अंदर दिए गए हैं इस तरफ, बाकी के इसमें बाहर दिए गए हैं। वो जो कि 9 बोल्ट हैं वो बाहर की तरफ हैं और 4 बोल्ट मैग्नेट के अंदर हैं। टोटल इसमें 13 बोल्ट दिए गए हैं दोस्तों, जो कि हमने इस तरीके से खोल लिए हैं। हम इनको अलग रखेंगे दोस्तों। हम आपको बता दें जो भी मेन चैम्बर के बोल्ट हैं उनको आप अलग से रखें, जिससे मैच ना खाए किसी और नट बोल्ट में। चलिए हमने इसके सारे बोल्ट खोल लिए हैं दोस्तों। अब हम इसके चैम्बर को अलग करेंगे आपके सामने। तो दोस्तों हमें थोड़ी सी इसकी क्रैंक को ठोकना पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें बोल्ट लगा लिया है जिससे कि इसका मत्था ख़राब ना हो। ये तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसका चैम्बर बिल्कुल अलग हो चुका है। इस तरीके से हमने इसमें बोल्ट लगा लिए थे ठोकने के लिए हल्के हल्के हाथ से, जिससे कि इसकी चूड़ी ख़राब ना हो। आप भी इसमें बोल्ट लगा करके ही चूड़ी ठोकें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पूरा सेटअप हमने खोल दिया है इसका। और दोस्तों खोलते वक्त विशेष ध्यान रखें कि गिरारी वगैरह या बाशर को भी है इसको हिसाब से आप लगाएं। ये दोस्तों इसका सेटअप है पूरा, ये इसमें लगी हुई है इस तरीके से। उसके बाद इसमें ये गिरारी इस तरीके से ये। तो दोस्तों हमें यहाँ कोई वाशर देखने को नहीं मिला है और यहाँ भी हमें कोई वाशर देखने को नहीं मिला है। इसमें शायद एक वाशर ऑलरेडी फिक्स है। उसके बाद दोस्तों ये सिलेक्टर हैं इसके दो। तो दोस्तों हमने फाइनली इसकी क्रैंक को बाहर निकाल लिया है, इसके दोनों चूड़ी बोल्ट को खोल लेंगे हम। तो दोस्तों फाइनली हमने इसके क्रैंक को ओपन कर लिया है। आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके की इसमें क्रैंक दी हुई है और ये कनेक्टिंग रॉड इसकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये इसमें साउंड है दोस्तों, हम इस कनेक्टिंग रॉड को नई चेंज करेंगे। और इसमें बैरिंग भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, इसमें प्ले आ चुकी है, तो दोनों बैरिंग नहीं डालेंगे। तो दोस्तों इंजन कोई भी गाड़ी का आप अगर इंजन करते हैं तो उसमें मेन बैरिंग ओरिजिनल ही नहीं डालें और कनेक्टिंग रॉड ओरिजिनल नहीं डालें, पूरा सेटअप इसमें नया डालें। तो ये हमने खोल लिया है दोस्तों। हमने इसके गियर बक्से को प्रॉपर बाहर नहीं निकाला है,
अगर आपको गियर बक्से पे कोई भी किसी भी गाड़ी के गियर बक्से पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम गियर बक्से पे स्पेशली एक अलग से वीडियो बना के आपको देंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से गियर बक्से को फिट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके हेड को खोलेंगे। दोस्तों ये हेड आप देख रहे हैं, इसके हेड को खोलना सीखते हैं। तो दोस्तों ये हम इसके हेड को खोलने वाले हैं, उससे पहले इसके 10 नंबर के बोल्ट को खोलेंगे, उसके बाद ये दोनों 8 नंबर के बोल्ट को खोलेंगे। चलिए ये हमने इसके 8 नंबर के दोनों बोल्ट को खोल लिए हैं, ये रॉकर की पिन को रोकने के लिए लगे हुए हैं इसमें। उसके बाद ये 10 नंबर का बोल्ट खोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ये बोल्ट जो दिया गया है वो कैम साफ को रोकने के लिए दिया गया है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये पूरी कैम साफ सूखी है इसके अंदर, ये देख पा रहे हैं पूरी। दोस्तों इसमें हमें कैम साफ नहीं डालनी पड़ेगी क्योंकि कैम साफ बिल्कुल घिस चुकी है, बैरिंग भी इसमें बिल्कुल बेकार हो गई है क्योंकि ये बिल्कुल सूखी चली है, ये हम नहीं डालेंगे इसके अंदर। चलिए दोस्तों अब हम इसके रॉकरों को निकालते हैं। तो दोस्तों रॉकर जो रॉड लगी हुई है उसमें 10 नंबर की चूड़ी इस तरीके से दी गई है, आप इस तरीके से इसे बोल्ट को कस लें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसकी ये पिन बिल्कुल कट चुकी है यहाँ से, ये इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं ये पूरी कट चुकी है, देख रहे हैं ये। ऐसी दोस्तों हम दूसरे को निकालेंगे ये। तो दोस्तों ये आसानी से निकल आई है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से घिसी नहीं है, अभी सही है। रॉकर आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल जाम हो गया है, ये घूम नहीं रहा इसके अंदर, ये नया डालेगा और ये भी नया डालना पड़ेगा हमें। अब हम इसके बाल को निकालेंगे। दोस्तों इस तरीके से हम इसके बाल लॉक को निकालेंगे, इसमें ये दो बाल लॉक दिए गए हैं इस तरीके के, ये इसमें एक स्प्रिंग है, ये इसकी वाल लॉक कटोरी है दोस्तों, सेम प्रोसेस दूसरी जगह से करेंगे। इसमें भी दो बाल लॉक इस तरीके से, तो दोस्तों इसके ये दोनों वाल बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। हम इन दोनों वालों को नहीं चेंज करेंगे। तो आपने देखा दोस्तों हमने इसका पूरा हेड आपको खोल करके दिखाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से, इसमें दो बासल और लगे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके के दो इसमें स्प्रिंग वॉशर दिए गए हैं इसके अंदर सेफ्टी के लिए, हमने इसको निकाल लिया है, आप भी इस तरीके से निकाल लें। तो आपने देखा हमने पूरे हेड को पूरा तरीके से प्रोसेस के साथ आपको सिखाया है किस तरीके से खोलना है।
तो दोस्तों आपने देखा और सीखा किस तरीके से पैशन प्रो FI BSS का इंजन खोला जाता है, क्या सही तरीका है, हमने आपको सिखाया है, पूरा डिटेल बाय डिटेल बताया है, बोल्ड टू बोल्ड आपको जानकारी दी गई है। फिर भी अगर वीडियो में कुछ आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएँ और बताएँ कि हम आपको किस तरीके की वीडियो और बना करके दे सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने आपको वीडियो बनाया, हमें लगता है कि आप इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रही होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।